श्रीमन नारायण नारायण। मंदिर में अच्छी खासी भीड़ दिख रही है क्योंकि मंदिर के कपाट बंद थे और 3 बजे खुलेंगे। तो अपना सामान वगैरह रूम पे रखने के बाद खाना वाना खा के प्रॉपर तरीके से हम अपने बैग में जो भी पहनने वाले कपड़े हैं ले आए हैं। बस थोड़ा ही दूर है मंदिर हमारे यहाँ से और वहीं पे तप्त कुंड भी है, तो पहले तप्त कुंड में होगा स्नान। देखते हैं, काफी सुना है तप्त कुंड के बारे में। तो जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया था, पहले वाली वीडियो में, कि बद्रीनाथ में होती है बद्री नारायण जी की पूजा, जिनको बोला जाता है बद्री विशाल भी, जो है विष्णु भगवान जी का रूप। और जो बद्री विशाल जी की मूर्ति है ना, वो पूरी शालिग्राम की मूर्ति है। ऐसा बोलते हैं कि उस मूर्ति को आदि गुरु शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकाला था। तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे भारत देश में 8 ऐसी मूर्तियां हैं विष्णु भगवान जी की जो स्वयं से खुद से प्रकट हुई है। तो उनमें से इस मूर्ति को भी एक माना गया है कि जो खुद से प्रकट हुई है और फिर नारद कुंड से निकाली गई है। और यहाँ जो पुजारी है ना, वो केरला के पुजारी हैं, साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के रावल पुजारी बोलते हैं उनको। तो ये हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ के मंदिर मेन प्रीमाइसेस में। और ये देखिए, ये है तप्त कुंड और आप देख सकते हो कितना गर्म धुआं इससे आ रहा था। तो ये एक तप्त कुंड है और पीछे की साइड को दूसरा है। और लेडीज के लिए स्नान गृह अलग से बना हुआ है जो अंदर की साइड को है। तो आप इसको हाथ लगाओगे ना, एक्चुअली में बहुत ज्यादा गर्म पानी है। ऐसा बोलते है कि यहाँ पे तप्त कुंड में स्नान करने के बाद ही आप दर्शन करने जाइए बद्रीनाथ के। आइडियली ये प्रोसेस है, ये स्टेप्स है। तो ऐसा कहते हैं कि तप्त कुंड में स्नान करके आपके सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा सभी गंगा वाटर सभी प्रयागों के लिए कहा जाता है। खैर, बट उसके साथ साथ ऐसा भी बोला जाता है कि कुछ तो ऐसी मेडिसिनल क्वालिटीज होती हैं तप्त कुंड के पानी में कि आपका बॉडी पेन या जो भी प्रॉब्लम्स है सब खत्म हो जाती है। तो आप इसको साइंटिफिकली भी ले सकते हो कि इतना गर्म पानी होता है कि शरीर में डालोगे तो वैसी सिकाई हो जाए, लिटरली इस पानी से सिकाई हो जाती है। बहुत ज्यादा गर्म रहता है, बहुत ज्यादा हीट रहती है इसमें। और ऐसा कहते हैं कि जितनी ज्यादा ठंड होती है उतना ज्यादा गर्म पानी। वहां पे हमें कोई बता रही थी कि गर्मियों में ये पानी गर्म होता है, बट इतना नहीं क्योंकि शायद बहुत ज्यादा लोग दर्शन करने आते हैं, उस रीजन से सब लोग पानी में हाथ डालते हैं। ठंडा होता है, जो भी होता होगा, ठंडा तो नहीं होता है बट थोड़ा कम गर्म होता है। जितनी ज्यादा ठंड होती है उतना ज्यादा ही पानी गर्म होता है। मैंने इसको बकेट में भर लिया था साइड से, जहाँ से इसका सोर्स है, मतलब जहाँ से आ रहा था यहाँ पे कुंड में, और फिर बकेट में भर के मैंने इसको यूज किया। और वाकई में जब सर से डाला तो पूरा इतना ज्यादा गर्म पानी था, बहुत ज्यादा। और सोचो वहाँ पे तो इतना ठंडा था कि बर्फ पड़ी हुई थी, तो उस मौसम में उतना गर्म पानी, तो ऐसी सिकाई हो रही थी ना मस्त वाली इस पानी से। तो अगर आप साइंटिफिक रीजन देखोगे तो ऐसे बोलते हैं कि कुछ तो वॉल्केनिक सोर्सेज हैं अर्थ के अंदर, मतलब बोलते हैं कि अर्थ की सरफेस के बहुत ज्यादा डीप डाउन कहीं कुछ ऐसे वॉल्केनिक सोर्सेज हैं जिसकी वजह से ये पानी इतना गर्म होता है। और अगर आप रिलीजियस उसमें बिलीव करोगे तो तप्त कुंड की अलग ही कहानी है। तो ऐसा भी बोलते हैं कि काफी नीचे अर्थ के इस एरिया में कुछ तो सल्फर डिपॉजिट है या फिर सल्फर होगा वहाँ पे, जिसकी वजह से ये गर्म पानी आता है, ऐसा वहाँ के लोकल्स बता रहे थे। मतलब अलग अलग कहानियाँ हैं, आप जैसे मान लो, स्पिरिचुअली मान लो, रिलीजियसली मान लो या साइंटिफिकली मान लो, जैसे भी मानना है मानो, बट गर्म पानी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और सच में इस नहा के ना बिल्कुल बॉडी की सिकाई हो जाती है मस्त वाली। जहाँ पे जब भी आओ तो हॉट वाटर बाथ तो जरूर लेना, यहाँ पे अलग अलग कुंड बने हुए हैं। तो मम्मी और मैंने नहा लिया है तप्त कुंड में, और बहुत ठंड लगी थी, मम्मी की तो पीठ भी जल गई नहा के ना, बहुत गर्म पानी था। हमने क्या करा, हमने बाल्टी से पानी भरा और हम अंदर ले गए, फिर हमने नहाया, क्योंकि ना थोड़ी मुझे घिंसी आ रही थी, पता नहीं क्यों, सब लोग एक ही में नहा रहे थे, पर वाकई में इतना हॉट वाटर है, पता नहीं अंदर क्या है, बहुत गर्म पानी है। तो अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने, और बारिश देख रहे हो कैसी बारिश हो रही है यहाँ, देखो सारा फॉग आ चुका है, बारिश हो रही है। दर्शन करने के बाद मिलते हैं, बाय। तो रिलीजियस कहानी इसके पीछे ये है कि एक बार बोलते हैं कि भगवान सूर्य देव को कोई भक्षा भक्षी करके कोई राक्षस कुछ रहा होगा, तो उसकी हत्या का पाप लग गया, भगवान सूर्य ने उसको मार दिया होगा, कुछ कर रहा होगा उल्टे काम। तो ऐसा बोलते हैं कि तब भगवान नारायण के कहने पर सूर्य भगवान बद्रीनाथ आए और उन्होंने तप किया। तब तो बद्रीनाथ नहीं था, कुछ और रहा होगा इसका नाम। तो यहाँ पे आके उन्हें तपस्या, तो तब बोलते हैं कि तब से भगवान जी ने सूर्य देव को यहीं स्टैब्लिश कर दिया, यहाँ पे एक रूप हो गया कह सकते हो, जिसमें नहा के लोग अपनी जो भी, मैंने बताया ना, हेल्थ इश्यूज वगैरह जो भी ये सब है दूर हो जाते हैं। और कहीं तो कोई ये भी बता था कि तप्त कुंड में नहा के जिसको थोड़ा सा फाइनेंशियली जो वीक है, आर्थिक प्रॉब्लम है, वो भी मिटती है, ऐसा भी। अब पता नहीं कितना सच है, ये तो वही जान सकते हैं। ये टेंपल ऐसे बोलते हैं जम्मू कश्मीर के राजा ने बनवाया था, गुलाब सिंह उनका नाम था, 18th century में। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे जब 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं तो साउथ इंडिया से आते हैं पंडित जी, वो आते हैं यहाँ पे और सबसे पहले तप्त कुंड में वो ही स्नान करते हैं, और वो स्नान करके कपाट खोलते हैं, पूजा शुरू करते हैं जो भी है।
और बद्रीनाथ को स्वर्ग रोहिणी भी बोला जाता है। ऐसे कहते हैं कि जब पांडव लोग सारे अपने काम काज निपटा के स्वर्ग की ओर गए थे तो यहीं के रास्ते के बाद एक माड़ा गांव पड़ता है जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, वहां से होते हुए पांडव लोग स्वर्ग की ओर गए। और ऐसा भी कहते हैं कि अगर बद्रीनाथ में आप पिंडदान करते हो अपने पितरों का तो उसके बाद उन्हें सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसा भी यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे पिंडदान किया हुआ पितरों के नाम का बहुत ही ज्यादा मान्यतापूर्ण होता है, पर पिंडदान करते हुए कुछ भी नदी में बहाते हुए खास ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हमारे जाने की कुछ दिन पहले ही एक फैमिली आई थी पिंडदान करने के लिए बाहर से और बताते हैं कि वो बह गए थे पानी में, ऐसा बता रहे थे यहाँ के लोकल्स। तो बहुत ही केयरफुल होकर करनी पड़ती है सारी चीज़ें क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी हम थोड़ा सा लाइन में खिसक खिसक के आगे की ओर आ गए हैं और अब हम मेन गेट की ओर पहुंच गए हैं। देख सकते हो कितना पुराना मंदिर है और कितना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ है आगे से, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लग रहा है। और मंदिर के बिल्कुल एंट्रेंस में है एक और छोटे से भगवान जी, तो इनको बोलते हैं क्षेत्रपाल, ये इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं तो इनको भी भगवान ही माना जाता है। तो क्षेत्रपाल जी हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे इनको दालें चढ़ाई हुई हैं लोगों ने, तो पता नहीं दालें क्यों चढ़ाई है, कुछ होता होगा रिवाज। अगर आपको किसी को पता है कि दाल क्यों चढ़ाते तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें भी ज़रूर। तो एक मेन गेट एंट्री पार करने के बाद अब है दूसरा गेट जो है थोड़ा सा चढ़ाई करके, तो जहाँ से ये ऊपर दिख रहा है यहाँ से एक्चुअली दूर से दर्शन होते हैं, यहाँ से आप दूर से दर्शन कर सकते हो। बाकी जो घूम के लाइन जा रही है ना यहाँ से बिल्कुल सामने से दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे ठंड वैसे ही इतनी ज्यादा थी और सोने पे सुहागा हो गया, वहाँ पे बारिश और पड़ गई जब हम गए। और ये है अंदर का प्रिमाइसेस, मंदिर का एरिया, मंदिर परिसर आप बोल सकते हो। वैसे अगर आपको बद्रीनाथ जी की कहानियाँ सुननी है वो आप मेरे पिछले वाले इससे पहले वाले वीडियो में सुन सकते हो, पर इसके अलावा भी बद्रीनाथ जी की एक कहानी है। ऐसा बोलते हैं जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई, जब वो धरती पर आई तो वो 12 धाराओं में बट गई अलग अलग, जैसे 12 धारा जो अलग अलग जो भी संगम जो भी प्रयाग है जो मिलते हैं, थौली गंगा हो गया, नंद प्रयाग हो गया, ये सब मिला के तो गंगा बनती है ना, तो 12 धाराओं में बट गई। और ऐसे बोलते हैं जो नदी जो धारा इस जगह से बहती थी उसका नाम था अलकनंदा, जो अभी भी है। और ऐसा बोलते हैं कि जब भगवान विष्णु अपने मेडिटेशन के लिए अपने ध्यान के लिए यहाँ पे जगह ढूंढ रहे थे तो उनको ये जगह सबसे ज्यादा पसंद आई अलकनंदा के पास में, जहाँ पे ये अभी मंदिर है। पहले इस पूरे एरिया को केदारखंड बोला जाता था। तो जब विष्णु भगवान को ये जगह पसंद आई तो ऐसे बोलते हैं नीलकंठ पर्वत के पास भगवान विष्णु ने एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया, जैसे बच्चे लोग रोते हैं ना तो विष्णु भगवान वैसे रोने लगे, बच्चों की तरह वो करने लगे कराने लगे। उनका ये थोड़ा सा रोना धोना सुनकर माता पार्वती वो हो गई कि उनको सुनाई दिया कि यार बच्चा कहाँ से रो रहा है, तो ऐसे बोलते कि माँ पार्वती फटाफट बच्चे के पास जाती हैं और पार्वती माता फिर उस बच्चे को ना मनाने की कोशिश करती है कि आप क्यों रो रहे हो उनको। तो फिर ऐसा बोलते हैं जब वो उनको मतलब खेल लगा रही होती है उस बालक को जो विष्णु भगवान का रूप थे, तो वो बालक ना अपने मेडिटेशन के लिए ध्यान करने के लिए उनसे वो जगह मांग लेते हैं, मतलब ये जगह उनसे मांग लेते हैं विष्णु भगवान पार्वती माता से कि मुझे यहाँ पे ध्यान करना है। तो फिर ऐसे बोलते हैं कि माता पार्वती को जगह देनी पड़ती है विष्णु भगवान जी को ध्यान लगाने के लिए। तो ये थी एक और कहानी, और भी बहुत सारी कहानियां इस मंदिर से जुड़ी हुई है। तो ऐसा कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे उनका नाम था धर्म और धर्म जी की पत्नी का नाम था रुचि। तो भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में उन माता के पेट से गर्भ से जन्म लिया धरती पर, और ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने इसलिए जन्म लिया ताकि वो संसार में सुख और शांति फैला सके। तो इसी तरह बद्रीनाथ के मंदिर से बहुत सारी छोटी छोटी कथाएं और कहानियां जुड़ी हुई हैं। हो सकता है उतनी बार विष्णु भगवान ने जन्म लिया और उतनी बार उन्होंने यहाँ पे घूमे हो, सारी कहानियां भी सच हो सकती है, एक के बाद एक घटना घटी हो, या हो सकता है इनमें से कोई एक कहानी सच हो। अब ये तो खुद भगवान विष्णु ही जान सकते हैं कि सच क्या है, पर यस आई मस्ट से कि यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स हैं। एवरीवन शुड एक्सपीरियंस दीस पॉजिटिव वाइब्स एटलीस्ट वंस इन द लाइफ टाइम, बट हाँ अगर आप थोड़ा सा रिलीजियस हो स्पिरिचुअल हो तब, एज ए टूरिस्ट नहीं। तो भीड़ बहुत ज्यादा नहीं थी बट यस फिर भी थी, तो मैं ये सोच रही थी कि अभी इतनी भीड़ है तो गर्मियों में कितनी ज्यादा होगी, बट नेवरदलेस हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। काफी देर तक हम आइडल के सामने खड़े रहे, भगवान जी की मूर्ति के सामने, शालिग्राम की मूर्ति थी, बहुत सुंदर मूर्ति थी। तो कुल मिला के हमारे दर्शन बहुत बढ़िया हुए। जय बद्री विशाल की। बहुत बुरे दर्शन हुए, दो तीन बार दर्शन कर लिए, पहली बार अच्छे से नहीं हुए, दोबारा गए, दोबारा कर लिए, फिर दूसरी बार अच्छा लगा, फिर तीसरी बार फिर चले गए देखने के लिए। सुकून सा मिल रहा था देख के। तो ठंड बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थी और यहाँ पे बोल रही थी गरम गरम दूध और जलेबी खाने से थोड़ा सा ठंड भागती है, यहाँ पे हर जगह दूध और जलेबी मिल रही थी तो हमने भी ट्राई करी। दूध मुझे बिल्कुल ही पसंद। भैया किस चीज का दूध है?
गाय भी कहाँ, यहाँ पे पालते हैं या कहीं से आता है? पड़ गई बर्फ, ये उस टाइम नहीं पड़ी थी। कैसे सर्वाइवल मुश्किल है यार यहाँ पे सच में, इसीलिए लोग नीचे आए थे पता है, मुझे लग रहा है कि यहाँ सच में बहुत ठंडा है। तो दर्शन करने के बाद हमने की थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर। इस टोपी से कुछ नहीं होगा मेरा, मोटी वाली टोपी। पता नहीं सही क्या अभी ऊपर वो बादल लगा है ना, नीलकंठ। इधर क्या इसको नीलकंठ बोलते हैं? वो अंदर है ना पर्वत, नीलकंठ पर्वत। बादल बादल लगा है इसमें, तो सुबह देखेंगे, सुबह मौसम साफ रहता है ना, सुबह आराम से उसके बाद चर पादुका। क्या पैदल रास्ता है चर पादुका? हाँ पैदल ही जाना पड़ता है ये मंदिर में पीछे से। कहाँ से? अच्छा पैदल ही है सारा? हाँ पैदल ही पैदल चढ़ाई है ना। किसकी किसके पैरों के वो है वहाँ, किसकी पैरों के निशान है? विष्णु राम जी के। सच में? तो ये कलकल करता हुआ शोर जो आ रहा है ना, ये आ रहा है लखनादा नदी से, और ये है मंदिर। तो ये जहाँ पे हम रुके हैं ना उसी के पीछे वाली बैल्कनी से ये मंदिर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो इतना ही डिस्टेंस है मंदिर से और होटल से। अभी क्यों, अभी जा तो सकते हैं, नहीं जा पाएंगे वहाँ, अभी जा नहीं सकते वहाँ। 3 मंदिर से। तो हमारे होटल वाले अंकल जी बता रहे थे ये है नीलकंठ पर्वत, इसके पीछे जो बिल्कुल ढका हुआ है बर्फ़ से और बादलों से, और उसके नीचे कहीं तो यहाँ पे कहीं दूर है चरण पादुका विष्णु जी की। तो यहाँ भी लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, पर ये हमारे होटल से है 3 किलोमीटर दूर, और पहाड़ों का 3 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि चढ़ाई होती है। तो हमने डिसाइड किया कि हम अभी नहीं जाएंगे, सुबह जाएंगे, क्योंकि अभी ऑब्वियसली अंधेरा हो जाएगा, फिर रात हो जाएगी आने में, बारिश अलग से पड़ रही है। तो फिलहाल हम यहीं से व्यू को इन्जॉय करेंगे, और हमने डिसाइड किया है कि कल सुबह जल्दी उठकर अर्ली मॉर्निंग उठकर तप्तकुंड में नहा के हम सुबह एक बार फिर से दर्शन करेंगे, क्योंकि इतना दूर हम लोग आए हैं तो बार बार तो आना होगा नहीं। तो सोच रहे एक बार और दर्शन करेंगे कल सुबह, बट लेट सी क्या हम सुबह उठ पाते हैं, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर जाने वाला है रात को यहाँ, और हो सकता है अभी भी शायद माइनस में ही हो, क्योंकि पहाड़ की चोटियों में तो बर्फ़ पड़ रही है अभी। हाँ, अभी आती आते करती अभी आ रही, बस गाड़ी से कुछ लेके आ रही बर्फ में बादल आ रहे हैं, सोचा है भी बहुत काले बादल हैं। अब उधर ही है लैंड स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि रास्ते हैं खराब। तो हमारा मंदिर के अंदर से आ चुका है प्रसाद। जय हो बद्री विशाल। मेरे बेस्ट फ्रेंड के मामा जी यहाँ पे, चाइल्डहुड फ्रेंड और बेस्ट के साथ साथ यहाँ पे मंदिर में पंडित जी हैं, तो वो आके हमें भी प्रसाद दे गए, उनकी वजह से ना बहुत हेल्प हुआ हर चीज़ में, रूम मिलने में, रूम ढूंढने में एंड ऑल जो भी था, तो वो अच्छा लगा। और ठंड तो भैया ताबड़ तोड़ हो रही है, और अभी बहुत बारिश हो रही है, ऐसा बोल रहे हैं कि सुबह वहाँ पर बर्फ़ जम जाएगी। तो थैंक यू रुचि के मामा जी, अंकल आंटी सबको, मतलब जो भी आने तक का नोएडा से अंत तक का यहाँ प्रोसेस रहा, अंकल आंटी और सब ने बहुत हेल्प किया, रुचि ने, मामा जी ने, मतलब हम उन्हीं के भरोसे आए कि यार, मतलब मम्मी और मैं अकेले आए थे तो थोड़ा सा होता है दूर जा रहे हैं, बट उनका ना बहुत भरोसा था कि चलो मामा जी लोग हैं, अंकल आंटी लोग वहाँ से कर रहे हैं गाइड हमको। तो थैंक यू सो मच, और भगवान ऐसे दोस्त सबको दे। और मैं भी आपको दिखाऊंगी रात को, इतना सुंदर लग रहा है बद्रीनाथ का मंदिर। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए ऐसा बोलते हैं कि अब इसके बाद, आज से ठीक एक महीने बाद जब देव उठान होता है, तो यहाँ से भी देव उठाए जाते हैं, बेसिकली विष्णु भगवान जी की जो प्रतिमा है या चांदी की मूर्ति है उनको उठा के यहाँ से जोशी मठ के नरसिंह देवता मंदिर में रखा जाता है। 6 महीने कपाट बंद रहते हैं, क्योंकि आज ही इतनी ज़्यादा ओवर ठंड हो रही है, तो मतलब सोचो एक महीने बाद तो क्या ही होगा। तो यहाँ ये एरिया बोलते हैं पूरा सील सा हो जाता है, पूरा खाली हो जाता है, बहुत ठंड होती है, तो इसलिए 1 महीने बाद कपाट बंद हो जाएंगे। और यूजुअली मामा जी बता रहे थे जहाँ पे पंडित जी हैं कि इतनी भीड़ नहीं होती अक्टूबर के महीने में, बट यार आज तो बहुत भीड़ है, मतलब भीड़ बहुत का मतलब वो जून वाली भीड़ नहीं है, बट स्टिल भीड़ है, मतलब वो कह रहे थे इस टाइम पे इतनी भीड़ नहीं रहती है, बट जो भी है अच्छा लगा यहाँ के, बहुत मन को शांति मिल गई, तृप्ति। तो जहाँ हम रुके थे ये था वहीं का मंदिर, और वहाँ पे हमने की आरती अटेंड।
सील रहता है सील। सर मिलिट्री वाला कब्जा कर लेते हैं, किसी को नहीं रहने देते। अच्छा जो वहाँ माना गाँव में जो लोग रहते हैं उनकी भी एक घर माना गाँव है, एक गोपेश्वर में है, नीचे आते हैं गोपेश्वर से जाते हैं। ये देखो कुछ लाइट्स लगा रखी हैं, देखो धुआं आ रहा है ना, ये तप्त कुंड का ही धुआं है। और ये देखो लाइट चेंज लाइट्स जो है चेंज हो रही है, लाइटिंग का भी मतलब कुछ लेज़र कुछ तो कर रखा है। तो बहुत सुंदर लग रहा है रात को मंदिर। और अभी भी देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है और ठंड इतनी है कि मुझसे बोला नहीं जा रहा है। थोड़ा सा आपको पास का व्यू दिखाती हूँ, देखो कितना भव्य लग रहा है। आहा आहा अति उत्तम, बहुत सुंदर। और भीड़ देखो यहीं से अंदर को भीड़ देखो। अरे जाने का तो आ रहे थे, बहुत भीड़ है बीबी, बहुत ज़्यादा। ये यहाँ रुकनी होना चाहिए, जो आया जाने का तो नहीं जाने। और लाइट्स चेंज हो रही है तो बहुत सुंदर लग रहा है। और ये नीचे का परिसर है और हम अक्टूबर में आए हैं, बस सर्दियों में आना नहीं चाहिए। अभी सर्दियाँ स्टार्ट नहीं हुई हैं, बस स्टार्टिंग ही हो रही है। पर ये है कि फिर गर्मी में बहुत भीड़ होती है, इस कारण से हम आए ठंड में। और हमारी जम गई है कुकड़ी सेवताओं को, क्योंकि ऊपर हिमालय ऊपर ना जो इसके ऊपर की पहाड़ी है वहाँ पर बर्फ़ जम चुकी है और पड़ चुकी है जो भी है। तो तब कुंड से निकल रहा है धुआं, तो फुल व्यू ये रहा मंदिर का। और अभी तो कुछ दिख नहीं आता, मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकती इससे, बट स्पेशली मैं रात का व्यू लेने आई थी यहाँ पे, वो भी कुछ है शायद टी आर सी वाले को कुछ। और दिख नहीं रहा भैया, ऊपर पूरी बर्फ़ पड़ चुकी है। और कितनी बारिश हो रही है यार, हम कल कैसे जाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। मत कर माया को अहकार, मत कर काया को अभिमान, काया भार से